मैं पिछले एक साल से ना लड़कों को डेट कर रही थी, लेकिन अभी सडनली मुझे ऐसे कंफ्यूजन में हूँ। मुझे लगता है कि मेरी एक ना गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए, तो विल यू बी माई गर्लफ्रेंड प्लीज प्लीज। क्या कर रही है? लीव मी। ओके, आई डोंट वांट अ बॉयफ्रेंड, आई वांट टू हैव अ गर्लफ्रेंड। मेरे को गर्लफ्रेंड बनानी है। लीव मी यू पीस ऑफ शिट, जस्ट गो अवे। प्लीज बी माई गर्लफ्रेंड ना, प्लीज ना, जस्ट लीव मी। ओके प्लीज ना, बी माई गर्लफ्रेंड ना प्लीज। लिसन टू मी। हे गाइस, वेलकम टू सो एफ इन क्रे। आज हम जो प्रैंक करने वाले हैं उसका नाम है गे गाय प्रपोजिंग गर्ल्स प्रैंक। लेकिन भाइयों, मैं एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं, दिस वीडियो इज ओनली फॉर योर एंटरटेनमेंट। हम गे कम्युनिटी का कोई मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, वी रिस्पेक्ट देम, सो कोई भी इसे पर्सनली ना ले। दिस इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। सो भाइयों आओ चलते हैं। कैन आई मेक अ कॉल फ्रॉम योर फोन? एक्चुअली मेरे फोन के नेटवर्क नहीं आ रहे। आई कॉल यू बैक लेटर। वैसे येलो लुक्स गुड ऑन यू, येलो बहुत अच्छे दिखते हो तुम। जल्दी यार। 70। हेलो संदीप, मेरे को कॉल बैक करो इस नंबर पे, मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। कैन यू वेट फॉर 1 मिनट? अच्छा, मेरे से तुम्हें ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली मैं अभी तुम्हारी टाइप ही हूँ। रूबी, हाय रूबी, माय नेम इज पियर। नो, खाने वाला, काटने वाला, बोलने वाला पियर। एंड व्हाट्स योर? हाय खुशबू। लॉलीपॉप खाओगे आप लोग? नो, आई हैव वन एक्स्ट्रा लॉलीपॉप। नो नो नो, वी आर हैविंग स्विंगम। यू मस्ट, यू लाइक लॉलीपॉप? नो नो, यू डोंट लाइक। यू बोथ हैव बॉयफ्रेंड्स? नो नो। हो क्यों? वैसे नहीं रखना है। तुम दोनों भी कहीं लेस्बियन तो नहीं हो? नहीं। लिसन, कैन यू बोथ हेल्प मी इन वन थिंग? एक्चुअली आपको पता ही चल गया होगा कि मेरे को थोड़ा लड़के ज़्यादा पसंद है, तो लेकिन ना मेरे घर वालों को इस बात से थोड़ा दिक्कत है। तो अभी रिसेंटली वो मेरे को बहुत प्रेशर डाल रहे थे कि तुम अपनी आदतें सुधारो एंड ऑल दैट। तो मेरा अभी रिसेंटली एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन मेरे घर वालों को उस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम है। तो आप दोनों में से कोई एक हफ्ते के लिए मेरी नकली गर्लफ्रेंड बन सकती है? यू नो वन थिंग, आई एम अ प्रोफेशनल कथक डांसर। होल्ड इट, मैं तुम्हें कथक डांस करके दिखाऊँ थोड़ा सा, एक स्टेप। नो नो नो, नहीं नहीं ना। हाँ देखो, ही मस्ट बी लाइकिंग, लाइक आई नो सम ऑफ द स्टेप्स ऑफ कथक डांस, लाइक ता थई तत तत थई, ता थई तत तत थई। अभी एक्चुअली क्या हो रहा है कि कपड़ों की वजह से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, और थोड़ा नीचे मिट्टी वगैरह, पत्थर वगैरह भी है, बट आई एम अ प्रोफेशनल कथक डांसर। नहीं मतलब मैं तुम्हें अपनी क्वालिटीज़ बता रही थी, अगर तुम्हारी कोई दोस्त हो तो तुम मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनवा सकते हो, या दोस्त, या फीमेल फ्रेंड। तुम्हारी फीमेल फ्रेंड्स हैं? लड़कियां दोस्त नहीं हैं सच में? तुम्हारी लड़की नहीं, नहीं। लड़कियां दोस्त नहीं है तुम्हारी? व्हाट्स योर नेम? आई एम फीलिंग वेरी सॉरी फॉर यू। तुम्हारी लड़कियाँ दोस्त नहीं है? नहीं। गर्लफ्रेंड भी नहीं है? अच्छा लिसन, टेक माई नंबर। सिर्फ पढ़ाई करते हो? पढ़ाई से अलग, अगर अभी भी पढ़ाई से अलग कभी कुछ करने का मन करे तो मेरा नंबर ले लो। बोलते बहुत वियर्ड लगता है, लेकिन फिर भी मेरा मन है एक बार ट्राई करने का ना, किसी को गर्लफ्रेंड बना के। सो नो, कैन वी बोथ? नो, इट विल बी फन यार। नो, हम साथ में मेकअप करेंगे। क्यों? टेक्स्ट में दूर दूर तक बिना लड़कियां नहीं है, मैं किसी लड़की से बात नहीं करती, सारे लड़के ही हैं तुम्हारी जैसे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कैन वी डेट? नो मैम, लेट्स गिव अ ट्राई। नो 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 नो, रियली सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली देखो, मेरे को भी अभी पूरा पक्का नहीं पता है कि मैं सच में लड़की को डेट कर सकती हूँ या फिर नहीं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ देन वी विल बी गुड फ्रेंड्स ना, वी विल बी लाइक आओ बहन चुगली करें। अच्छा लिसन, एक घर चलो ना, तुम्हें पता है मेरे पास इतने बड़े बड़े टेडी बियर्स हैं, हम दोनों ने कडल कडल करके लेटिंग है ना। सुनो, अच्छा लिसन लिसन, वन थिंग, जस्ट वन थिंग। अच्छा एक बार अपनी आंखें तो दिखाओ, ये शेड्स उतार के। किस बात के? ऐसे मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारी आंखों में। ओह, तुमने भी आई मेकअप किया है डॉल, एक मिनट दिखाओ। लेकिन तुम्हें पता, तुमने थोड़ा यहाँ से मेकअप, तुम्हें थोड़ी लाइनिंग ना यहाँ से थोड़ा और इधर करना था, तुम्हारी आंखों पे सूट करेगा वो। एंड तुम ये इधर नहीं लगाते काजल टाइप? हाँ से आप दिल्ली से हूँ बहनचो, करना पड़ता है ये सब मुंबई में रहने के लिए। पता है ना मुंबई कितना महंगा शहर है, सब कुछ करना पड़ता है भाई मुंबई में रहने के लिए। क्या करे आदमी, जब भूख लगती है ना तो पता नहीं चलता क्या सही है क्या गलत है।
वो तो है, वो जो अभी हम भी देखो अभी क्या डैडी का हालत देखो, डैडी भी बहुत भागा दौड़ी करता है। ऑफ कोर्स मुंबई तो बहुत महंगा है। डेट कर सकती हूं? नॉनसेंस है, जिसका फोन है। नॉनसेंस लगा आप पे? ऑफ कोर्स यू नो आई एम रास्ते में खड़े होके ऐसे हमको रोक के ये सब बातें करना चाहते हैं। ओके दिस रिलैक्स, आपको जिसको भी कॉल करना है कॉल कर लीजिए और फोन वापस दे दीजिए। क्या कैमरा वगैरह कहीं कोई प्रैंक वगैरह कर रहा है? शी रियली हर्टेड मी। इट्स ओके, गिव इट द फोन बैक। आई कांट इवन टेल। अंकित उसे फोन दे। आप फोन ले लो, लेकिन ऐसे किसी को रास्ते में बोल ले। जस्ट वॉक यार, यू कांट। कोई लड़की नहीं पट रही थी यार, बड़ी मुश्किल से एक लड़का पटाया और वो भी बोल रहा कि नहीं आ रहा हूँ। बता, मतलब लड़की तो धोखा देगी देगी, लड़का भी धोखा देगा मुंबई में। क्या कर सकते हैं? मैं आपको कथक भी सिखा सकती हूँ। I know, but if he's not calling, can you give him the phone back? Can you please be my girlfriend for one week? No, I'm sorry. This is honestly getting a little out of hand now. Patriotic हो तुम एकदम। एकदम। आर्मी में जाना है, लड़ाई लड़नी है। हाँ? Yeah. अभी तो वैसे मेरा मूड था कि मैं किसी लड़की को डेट करूँ, लेकिन तुम इतना ज़्यादा स्वीट हो ना। एक मिनट इधर तो आओ, एंड येलो लुक्स गुड ऑन यू। हाँ, आई टेल यू वन थिंग, जितने भी लड़के होते हैं ना, देखो इसी के सामने बोल रही हूँ बट सच बोल रही हूँ, जितने भी लड़के होते हैं ना बहुत कमीने होते हैं, पहले दिल तोड़ते हैं और फिर मुँह मोड़ लेते हैं। फ्रेंड ओनली हम लोग। देखो अभी कैसे फ्रेंड फ्रेंड बोल रहा है। तुम्हारे बाल भी बहुत अच्छे हैं। तुम फेसबुक पे हो? नहीं। झूठ बोल रही हो? अरे झूठ बोल रही हूँ। इंस्टा पे हूँ मैं, फेसबुक। अच्छा इंस्टा पे हो तो मैं इंस्टा पे तुम्हें ऐड कर सकती हूँ। श्योर। अगर आप एक हफ्ते के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मतलब ऐसा मेरे को भी नहीं पता है। माइक राइट। एक्चुअली वी आर शूटिंग अ प्रैंक। ओह, और गाड़ी के अंदर कैमरा। नाइस टू मीट यू यार। वो गाड़ी के अंदर कैमरा है वहाँ पे। कॉल लिया किसी का? कॉल किसी का नहीं आया। मस्ती कर रहे थे। सो नाइस टू मीट यू यार। वी आर फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल। दैट्स ऑल राइट। वो गाड़ी के अंदर। हाय। आओ जरा जाके। इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। सॉरी टू वेस्ट योर टाइम। और मैं ऐसा हूं नहीं एक्चुअली। इवन इफ यू वर आई वी अंडरस्टैंड बट वी कांट हेल्प यू नो। खतरनाक डरा दिया वो भी। आप इतने हट्टे कट्टे ऐसे करो मत। हे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ गाइस, वीडियो पर लाइक का बटन दबा दो, वीडियो पर कमेंट करके हमें बताओ कि वीडियो कैसा था, वीडियो को शेयर करो। और गाइस, जिन्होंने अभी तक भी हमारे चैनल सो एफ इन ग्रे को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू गाइस। आई फॉलो योर चैनल।